वैद्य वैती। और नॉन स्ट्राइक एयर पर अब देखेंगे कल्पेश माहुलकर और श्री इलेवन नेरल की ओर से मैंट्री पावर पे की ओर लेकर आएंगे ओपनर गेंदबाज। हरेश कराले रफ्तार के सौदागर हरेश कराले इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छा योगदान उनका रहा है, जो कि हमारे प्रमुख अतिथि संतोष दादा भी यहाँ पर तशरीफ ला चुका है, उनके भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस श्रृंखला में। तो देखिए डीजे वाले ने भी अभी यहाँ पर शंखनाद कर दिया, गणपति बाप्पा मोरिया करके मैच को शुरू कीजिए ऐसा यहाँ से सिग्नल दे दिया अंपायर को। तो देखिए सिग्नल आ चुका है यहाँ पर हरेश कराले गेंदबाजी के छोर पर, गेंदबाजी की तोफ मानी जाए तो नेरल टीम की गेंदबाजी की तोफ माने जाते हैं। हरेश ताकतवर गेंदबाज है, काफ़ी प्रभावित किया है क्रिकेट प्रेमियों को इस खिलाड़ी ने। अप स्ट्राइक पर मंगेश सामना करेंगे हरेश कराले का। ये देखिए पहली फुल टॉस गेंद जिसका पूरी तरह से फायदा उठा हुआ यहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर से यह दंदनाता सिक्सर। देखिए जो उड़ने का शौक रखते हैं ना वो गिरने का खौफ नहीं रखते। पहली गेंद पर आगाज किया, अपने इरादे स्पष्ट किए और यहाँ पर हरेश कराले को दी है उन्होंने धमकी कि भाई मेरे बल्ले में भी दमखम है, क्योंकि जो तारीफों के फूल हरेश कराले के यहाँ पर बांधे गए थे एक ताकतवर गेंदबाज के तौर पर उभर कर आए थे, पहली गेंद पर उनके ऊपर हमला किया है मंगेश ने। अगली गेंद हरेश कराले की, क्योंकि हरेश कराले काफी अच्छे गेंदबाज है। देखिए इस बार फिर से फुल टॉस किया था लेकिन इस बार टाइमिंग बना नहीं पाए मंगेश, तकरीबन एक रन पूरे करते हुए एक रन से स्कोर कार्ड में रुद्धि, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं सात, सात रन लग चुके हैं। हरेश तैयार है, नए बल्लेबाज कल्पेश स्ट्राइक पर आ चुके हैं। ये देखिए इस बार बल्ले को गेंद चूम कर सीधा निकल गई विकेट कीपर के दस्ताने में, पहला ब्रेक थ्रू हासिल करने में यहां पर कामयाब हरेश कराले। चटकाने में पहली सफलता प्राप्त करने में यहां पर हरेश को सफलता मिली है, जरूर हरेश के खाते में यह सफलता जाती हुई। कल्पेश पवेलियन लौटते हुए नए बल्लेबाज क्रीज में जाते हुए एक युवा खिलाड़ी महेश, नए बल्लेबाज हरेश कलाले तैयार गेंदबाजी की छोर पर, पहुंच गया एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए इस समय। शॉट ऑफ लेट गेंद थी, उठाकर खेल दिया एक्स्ट्रा ओवर के रीजन में, ये दंदनाता चौवा डीज। पौध गावाचा दीपक भाई त्याला समसेवेचा ध्यास, मनी हयाचा एकच इच्छा करण्या गावाचा विकास। तो मंगेश मांडवकर आते ही इस महेश मांडवकर आते ही देखिए चार रन से खाता खोला है और चार रन का इजाफा करते हुए अपने टीम के स्कोर कार्ड में। निश्चित तौर पर यहाँ पर स्टेपिंग में गड़बड़ी हो गई थी रनअप में हरेश कराले के, शायद शू स्लिप हो गया था उनका,
महेश आते ही हमला बोल दिया है। पहले एक बड़ा हिट लगाया था मंगेश ने, अब महेश आ चुके हैं। देखिए एक बार फिर से आउटेज लेकर गेंद निकल गई थी लेक स्लिप के इस शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के पास, लेकिन मौका महेश कहूंगा गवा दिया और यहां पर जीवनदान मिला इस युवा खिलाड़ी को महेश मांडवकर को। महेश मांडवकर बार बार बचे यहां पर, तकरीबन उनकी पारी का अंत हो ही चुका था। हरीश अपनी गेंदबाजी की ताकत दिखाते हुए यहां पर, ये देखिए ये बढ़िया गेंद एक बार फिर से शिकंजा कस लिया था, लेकिन फील्डर ने की है गलती। एक तो पूरा, क्या दूसरा होगा पूरा? जी हाँ, दूसरा भी यहाँ पर पूरे करते हुए दो रन से स्कोर कार्ड इल्तवा, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 13 एक ओवर के समाप्ति के बाद। दीजिए तो 13 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। हमारे परम मित्र प्रमोद जी काटावले साहब यहाँ पर आ चुके, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस इलाके के कट्टर शिव सैनिक मंगेश दादा महाबी यहाँ पर तशरीफ ला चुके, उनका भी मैं हिंदू हृदय सम्राट चषक में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ले चलता हूँ मैदान की तरफ, जहाँ पर नेरल टीम की ओर से मैंट्री पावर प्ले की ओर लेकर आए थे हरीश कराल। एक ताकतवर गेंदबाज जरूर थे, लेकिन उनके ऊपर हमला बोला था मंगेश वैद्य और महेश मांडवनकर ने। तकरीबन 13 रन बटोरे थे उनके ओवर में। अब नए गेंदबाज स्क्रीज पर आते हुए आदम मुजावर गेंदबाजी की छोर पर तैयार। ये देखिए क्या रफ्तार भरी गेंद थी, लगभग ये एफर्ट देखिए फील्डर का, अपना 100% देते हुए ये फील्डर अपने टीम के लिए। ये होती है क्रिकेट, क्या जबरदस्त तरीके से अपने टीम के लिए रन बचाए इस फील्डर में। काबिले तारीफ फील्डिंग का मुजाहरा, एक अच्छी क्रिकेट ग्राउंड पर देखने को मिलती हुई। एक रन से स्कोर कार्ड में रुद्धि, 14 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। आदम मुजावर की अगली गेंद, सामना करेंगे महेश जिन्होंने पिछली गेंद पर एक चौका दागा था। इस गेंद पर देखिए क्लीन ब्लॉक में डाली हुई गेंद को खोद कर निकाला है, ऑन ड्राइव किया इस कारपेट द्वारा, एक रन बटोरते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए। भले भांति जानते हैं कि कमजोर गेंद मिली जाए तो उसके ऊपर हमला बोलेंगे और अच्छी गेंद को सम्मान देंगे, यही रणनीति अपनाते हुए यहाँ पर एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं मंगेश। इस टीम के ओपनर एक विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर इस टीम में खेलते हैं, भले भांति उन्होंने अपने इस टीम के पारी को जरूर संभाला है, लेकिन अब बड़े बड़े हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपने टीम के लिए, क्योंकि वो भले बात ही जानते हैं इस टीम के सामने खेलना है तो एक अच्छा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। ये देखिए इस बार रक्षात्मक शॉट, अपने आप को बचाने की कोशिश की, हल्के हाथों से खेला, मिड ऑफ क्षेत्र पर फील्डर मौजूद था, जब तक फील्डर फील्ड कर पाते तब तक एक रन आसानी से पूरा। इस एक रन के बदौलत स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर बढ़ते हुए नंबर लग चुके हैं 15-16। ये देखिए शॉट ऑफ लेग गेंद थी, फाइन किया इस गेंद को, फाइन लेग क्षेत्र से गेंद जाती हुई दंदना था चौवा। ए 20 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अगली गेंद आदम मुजावर की, हवाई सफर, आसमान चीरती हुई गेंद निकल गई 6 के लिए।
महेश का। महेश के पारी का अंत होता होता यहाँ पर बच गया पहली गेंद पर। जरूर रनआउट के तौर पर सफलता मिल सकती थी अमोल चौहान को, लेकिन चूंकि यहाँ पर कॉलिंग में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की थी मैं कहूँगा, यहाँ पर अच्छा साथ निभाया था इस फील्डर ने, हरेश शायद वहाँ पर है। ये देखिए ये बढ़िया यहाँ पर, और ये दनदनाता चौवा। तो देखिए मंगेश वैद्य अभी तक रुके हुए अपनी पारी को संभालते हुए, जिन्होंने पिछली गेंद पर चौका दागा था ऐसा लग रहा था महज सिंगल मिलेगी इस गेंद पर, लेकिन आउटफील्ड में यहां पर धोखा दिया और गेंद सीधा निकल गई चार रन के लिए। उस चार रन के बदल स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 30। अगली गेंद अमोल चौहान एक बार फिर से सामना करेंगे मंगेश। ये फुल टॉस गेंद जिसको हवाओं के सहारे खेल दिया, गेंद जाती हुई आसमान चीरती हुई सीमा पार सिक्सर। दीपक भाई त्याला समसे वेचा ध्यास मनी हजाचा एकच इच्छा करण्या गावाचा विकास। पिछली गेंद पर आया था चौवा जिससे रन बने थे 30, इस गेंद पर आया है छक्का यानी कि रन बनेंगे 36। अगली गेंद पर कितने नंबर लगते हैं ये देखना जरूरी है। ये देखिए एक बार फिर से फुल टॉस डिलीवरी थी, गैप ढूंढने में कामयाब फील्डर द्वारा प्रयास जारी, लेकिन क्या जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा। निश्चित तौर पे दो रन अपने टीम के लिए बचाए इस फील्डर ने और दो रन का इजाफा मिला है मंगेश वैद्य को। इस दो रन के सहारे स्कोर कार्ड में वृद्धि होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 38। एक बड़ी पारी यहां पर खेलते हुए मंगेश अपने टीम के लिए। ये देखिए एक बार फिर से फुल टॉस, लोअर फुल टॉस की गेंदें लगातार देखने को मिल रही है। शायद कुछ रन नीति आकी है अमोल चौहान ने, लेकिन कहीं पे और रणनीति काम नहीं आ रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस गेंद पर अगर टाइमिंग बनाने में कामयाब हो सकते हैं बल्लेबाज तो निश्चित तौर पर 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब युवा खिलाड़ी महेश स्ट्राइक पर जाते हुए मौका मिला है अपने आप को आजमाने का। एक बार फिर से अमोल चौहान, ये देखिए अपने आप को सफल किया था, यहाँ पर लॉफ्ट करना चाहते थे गेंद को लेकिन उतने ही चतुर चलाक और लेग बाइस के रूप में एक रन बटोरते हुए यहाँ पर बल्लेबाज इस एक रन से स्कोर कार्ड में रुद्धि, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 40। नक्कीच आमचे प्रमुख अतिथी माननीय श्री रोशनजी गायकवाड साहेब ग्रुप ग्राम पंचायत टेंभरी सदस्य यांचं इथे आगमन झालेलं, त्यांना विनंती असेल की आपण समोचन कक्षावर अतिथी कक्षावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे। धन्यवाद। तो साजिद शेख गेंदबाजी की तौर पर यहाँ पर आ चुके हैं। साजिद शेख के ऊपर यहाँ पर कप्तान ने भरोसा जताया है, क्योंकि हर एक गेंदबाज को 13 के रन से 13 के औसत से कूटा गया है यहाँ पर। ये देखिए पहली गेंद
अच्छी गेंद फेंके थी, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज, लॉब करना चाहते थे लेकिन गेंद ने चकमा दिया, फिर भी एक रन लेने से नहीं चूके, एक रन के बदौलत स्कोर कार्ड में रुद्धि स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 41। साजिद शेख भलेबाज ही यहाँ पर जानते हैं कि ये स्लॉग ओवर है, यानी कि बल्लेबाज सिर्फ एक विकेट खो चुके हैं, तो इस ओवर में बड़े बड़े हीट लगाने के प्रयास जरूर करेंगे, हर एक गेंद पर प्रयास रहेगा एक बड़ा आघात करने का, लेकिन उतने ही चलाक चतुर गेंदबाज नजर आ रहे साजिद शेख। ये देखिए इस बार हवाई सफर, फील्डर मौजूद, फील्डर के सर के ऊपर से जाती हुई गेंद, तीन तीन फील्डर इस गेंद के पीछे, जब तक फील्डर फील कर पाते तब तक दो रन आसानी से पूरे, इस दो रन के बदले स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 43। तो 43 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, और यहाँ पर तशरीफ लाए हमारे महागुरु संतोष जी चौधरी साहब, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस मंच पर। साजिद सैयद की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, जिसको वेल टाइमिंग बनाए, यहाँ पर गेंद गई आउट ऑफ द पार्क 6 के लिए। खलीबली यहाँ पर मचा दी है इस बल्लेबाज मंगेश वैती ने, क्योंकि ओपनिंग में आए थे, प्रारंभिक बल्लेबाज है इस टीम के, और अभी तक घात लगाकर बैठे, जैसे ही कमजोर गेंद मिल रही है वैसे वैसे बड़े आघात कर रहे हैं और अपने आप को साबित कर रहे हैं, अपने ताकत की नुमाइश कर रहे हैं लगातार। ये बल्लेबाज अगर इस मैच को अभी भी बचाना है तो इस बल्लेबाज की विकेट चटकानी होगी। साजिद सैयद, साजिद शेख भलीभांति जानते और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब इस गेंद पर कितने नंबर लगते हैं ये देखना जरूरी। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, डीप मिड विकेट के क्षेत्र पर इस गेंद को फील्ड करार किया, यहां पर खतरा हो सकता है और ये रन आउट, एक और विकेट का पतन। डीजे
इस गेंद को फील्ड करार किया था और क्या काबिल तारीफ यहाँ पर थ्रो फेंका था। और मैं कहूंगा मंगेश वैद्य जो वैद्य जो आए थे ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में और उनके पारी का आन किया था इस फील्डर ने। 37 रन खेल चुके, क्या जबरदस्त ताबड़तोड़ पारी के लिए, तालियां बजनी चाहिए खेमे में इस खिलाड़ी के लिए, जबरदस्त योगदान अपने टीम के लिए। और अब नए खिलाड़ी स्क्रीज पर जाते हुए गणेश पाटिल भाई, आज के बल्लेबाज गणेश पाटिल, गणेश को मौका मिला है इस समय अपनी कलाकारी दिखाने का, अपने बल्ले का दमखम दिखाने का, जिस मौके के लिए वो दिन रात प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड के ऊपर, आज मौका मिला है अपने आप को साबित करने का। सामने उतने ही चला गेंदबाज साजिद शेख, ये देखिए क्या जबरदस्त तरीके से खेल दिया, हल्के हाथों से खेल दिया, इस गेंद को ग्लांस किया था मैं कहूंगा, और दो रन बटा रहे थे अपने टीम के लिए, दो से खाता खोला पाटिल ने अपना, और इस दो रन के सहारे स्कोर कार्ड में रुद्धि स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 59। नरेश दलवी साहब यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं और क्या जबरदस्त तरीके से यहाँ पर स्कोर राइटिंग करते हैं, हर एक खिलाड़ी की अपडेट देते हैं हमें। और मैं कहूँगा स्कोर राइटर ही ट्रेन का इंजन होते हैं और कॉमेंट्रेटर ट्रेन के डिब्बे होते, ऐसा ही मानकर मैं चलता हूँ, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हमारी कॉमेंट्री डिपेंड रहती है। और ये देखिए इस बार ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा, पार करेगी 6 की सीमा, सीमा पार सिक्सर। नक्कीच आमचे प्रमुख अतिथी माननीय श्री रोशनजी गायकवाड साहेब यांना यांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्यांचं यथोचित तिथे स्वागत करण्यात येतं। आमचे मुख्य आयोजक सौरभ मालुसरे साहेब यांच्या शुभहस्ते त्यांना गौरवण्यात येत आहे, त्यांनी या स्पर्धेसाठी भेट दिली, स्वागत आहे त्यांचं या स्पर्धेमध्ये, धन्यवाद। नक्कीच 65 धावा लागलेले धावफलकावर आणि या 65 धावा कशा प्रकारे चेस केल्या जातात यासाठी याचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी मी आमंत्रित करतो आमचे महागुरु माननीय श्री संतोषजी चौधरी साहेब। नक्कीच यापुढील होणारा सामना वरुण अवघर आणि फणस डोंगरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारास विनंती असेल की आपण नाणेफेकीचं कौल करण्यासाठी यायचं आहे।
तो एक बार फिर से सभी क्रिकेट प्रेमियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस समय मैदान पर माहुल गांव और श्री इलेवन नेरल के बीच मुकाबला जारी है, जहाँ पर नेरल टीम ने फील्डिंग लेकर आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने के लिए माहुल गांव टीम को, जिन्होंने 65 रन बटोर कर 66 रन का लक्ष्य रखा है नेरल टीम के सामने आने वाले 24 गेंदों में। और ये लक्ष्य भेदने के लिए नेरल टीम के प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज में जा चुके हैं। नक्कीच फणस डोंगरी संघाचा कर्णधार आणि वडू नवघर संघाचा कर्णधार आपणास पुकार आहे की नाणेफेकीचे कौल करण्यासाठी आपण टॉच बॉक्समध्ये यायचं आहे। तो मैच का दूसरा सत्र चालू होने जा रहा है। श्री इलेवन नेरल टीम की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाज स्ट्राइक पर खेलेंगे कुणाल दाबने और अमोल चव्हाण नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देखेंगे। और गेंदबाजी के छोर पर गेंदबाज कल्पेश माहुनकर। ये देखिए ये पहली गेंद पर आगाज करना चाहते थे, ताकत भरा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज ने दिया है चकमा, गेंद सीधा निकल गई ये विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद की समाप्ति। और क्या जबरदस्त गेंद डाली थी पहली, ललचाया था मैं कहूँगा इस बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने के लिए, लेकिन बार बार बचे, या तो छे हो जाते या तो कैच हो जाते। ये देखिए इस बार थोड़ी सी शॉट की थी, इस गेंद को गोल्डन स्पॉट के थोड़े से पीछे डाला था और कंफ्यूज हो गए कि हुक करे या स्ट्रेट खेले, इसी के बीच गेंद निकल गई और इसी के बीच एक रन पूरा किया है, एक रन का इजाफा मिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन। कल्पेश इस समय गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए अभी तक दो गेंदें फेंकी गई और अच्छी तरीके से सूझबूझ भरी और सटीक जगह पर डाली गई ये दोनों गेंदें, लेकिन अब बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर आ चुके हैं और जब भी बाएं हाथ के बल्लेबाज आते हैं तो लय बिगाड़ने में कारगर होते हैं। ये देखिए आपने आपको साबित सफल किया यहाँ पर और गेंद गुजरती हुई फाइन लेग क्रिया में सीमा पार चौका। तुमसे मिलके तो अमोल चव्हाण देखिए जैसे ही स्ट्राइक पर आए उनके बल्ले की आउटेज लेकर ये गेंद निकल गई, लेकिन चार रन का इजाफा जरूर मिला है चौके के मदद से, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं पांच। अगली गेंद सामना करेंगे अमोल। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया टाइमिंग जमाने में कामयाब और क्या जबरदस्त एफर्ट इस फील्डर का, निश्चित तौर पर अपने टीम के लिए दो रन बचाने का काम किया इस फील्डर ने और काबिले तारीफ फील्डिंग का मुजाहरा। इस दो के सहारे स्कोर कार्ड हिलता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं सात रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। मैंट्री पावर प्ले की ये और जिसके ऊपर बड़े बड़े हीट लगाने की कोशिश करते हर एक बल्लेबाज, लेकिन उनको रोकने के लिए उतने ही ताकतवर गेंदबाज चुने जाते हैं और अभी तक वो ताकत दिखाने में यहाँ पर कामयाब हो चुके हैं ये गेंदबाज। एक चौवा जरूर दागा था, लेकिन मैं कहूँगा वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं था। ये देखिए इस बार उठाकर खेलना चाहा, फील्डर वहाँ पर मौजूद जरूर थे, लेकिन जीवन दान मिला है यहाँ पर मैं कहूँगा अमोल चव्हाण को और दो रन का इजाफा मिलता हुआ। इसी के साथ इस दो के साथ स्कोर कार्ड में रुद्धि, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं
9 रन लग चुके हैं। अमोल चौहान बार बार प्रयास कर रहे हैं कि एकाध बड़ा हिट इस ओवर में लगना चाहिए, तब जाकर मैच में जगह बनेगी। ये देखिए क्या काबिले तारीफ गेंद डाली थी, कोई मौका नहीं इस गेंद को खेलने का। और समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 9, जो कि वडून ओगर संघाने नक्कीच नाणेफेकीचं कौल जिंकलेलं आहे। त्यांनी आपला निर्णय थोड्या वेळात कळवायचा आहे, नक्कीच फिल्डिंग असेल त्यांची। मनीष नए गेंदबाज चुने गए हैं गेंदबाजी की छोर पर। देखिए इस टीम का जितनी अच्छी बल्लेबाजी चली थी उतनी अच्छी अभी तक गेंदबाजी चलते हुए। श्री इलेवन नेरल इस टीम को थोड़े से बैकफुट पर भेजने का काम करते हुए इस समय ये गेंदबाज मनीष एक बार फिर से इस टीम के लिए दूसरी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और प्रारंभिक बल्लेबाज अभी तक डटे हुए हैं कुणाल इस समय स्ट्राइक पर। कुणाल देखिए बड़े बड़े हिट लगाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज उतने चलाक है कि टाइमिंग बनने नहीं दे रहे। निश्चित तौर पर इस गेंद को सफल होकर आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे उठाकर, लेकिन वो जो एक संपर्क बनता है बल्ले और गेंद के बीच वो संपर्क नहीं बन रहा है, उसी के बीच रनों की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। क्योंकि जब ये टीम खेल रही थी तो पहली गेंदबाज के ऊपर 13 रन बटोरे गए थे और कहीं पे पीछे जाती हुई नजर आ रही है इस समय श्री इलेवन नेरल टीम। ये देखिए जैसे मैंने जिक्र किया पीछे जा रही है हवा, इस सफर आसमान चीरती हुई गेंद निकल गई 6 के लिए। अमोल चौहान, अमोल चौहान भली बात ही जानते हैं इस मैच में जगह बनानी है तो 13 के औसत से खेलना पड़ेगा, बड़े बड़े हीट लगाने पड़ेंगे तब जाके मैच में जगह बनेगी। इसी के साथ सीधे बल्ले से खेला हुआ गैप तो जरूर ढूंढी थी, लेकिन फील्डर इस गेंद तक पहुंचे, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन से स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 17 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। मनीष गेंदबाजी की छोर पर एक छक्का जरूर दागा है इनके ऊपर। एक बार फिर से देखिए आवाज तो मधुर निकली थी बल्ले से और गेंद सीधा तीर की तरह सीमा पार चौवा। ये अब कुणाल दाबने भी ताव में आ गए, कुणाल दाबने ने भी मूड बना लिया है कि अगर मैच में जीत मुकम्मल करनी है तो निश्चित तौर में रनों की बारिश करनी पड़ेगी और बड़े बड़े हीट खोजने पड़ेंगे। ये देखिए शॉट ऑफ लेग गेंद जरूर थी, रूम मिला था लेकिन काफी बड़ा रूम था, नतीजा निकला है वाइट। वाइट की बदौलत स्कोर कार्ड में स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 22 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखिए सफल किया था गेंद को खोद कर निकाला है, मौका नहीं है फील्डर के पास, हवाई सफर गेंद आउट ऑफ द पार्क 6।
पर डॉन बनने की कोशिश कर रहे कुणाल ताब ने, क्योंकि आगाज किया है मनीष के ऊपर। इस आगाज के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 38-28। ये देखिए, ये बढ़िया वापसी, ब्लॉक करार करना चाहते थे लेकिन बल्ले को गेंद ब्रश करके एक रन का इजाफा। ओवर समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 29। अब जीतने के लिए जरूरत होगी 12 गेंदे 37 रन, 12 गेंदे 37 रन। इस पारी का प्लस पॉइंट रहेगा कि अभी तक एक भी विकेट नहीं चटकाई है इस टीम की। ये इस पारी का प्लस पॉइंट रहेगा क्योंकि कुणाल दाबने और अमोल चव्हाण अभी तक घात लगाकर बैठे हैं, और जब तक ये खिलाड़ी क्रीज पर रहेंगे ये किसी भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी है। अब गेंदबाज तैयार महेश मांडवकर इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार। जीतने के लिए 12 गेंदे 37 रन, ऐसी स्थिति में कप्तान ने इस गेंदबाज के ऊपर विश्वास जताया है कि ये मेरा गेंदबाज इन बल्लेबाजों को बांधने में सक्षम साबित होगा। अब ये देखना जरूरी कि ये किस कदर इस बल्लेबाजों को बांधता है। ये देखिए, पहली गेंद पर आगाज किया, जो जंजीरें कसी गई थी उसको तोड़ने का ये इजहार किया गया 6 के लिए। छक्के के मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 35। अब जीतने के लिए 11 गेंदे 31 रन कुणाल दाब ने दे रहा है, लेकिन दुरुस्त आए सामने वाले टीम पर वार कर रहे हैं। 2 छक्के दाग चुके हैं अपने पारी में और प्रेशर क्रिएट करने में सक्षम हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिला, भाप लिया था कुणाल ने इस गेंद को, आगाज करना चाहते थे, आगाज करते निश्चित तौर पे लटक सकते थे लेकिन भाप लिया इस खिलाड़ी ने इस वेरिएशन को और हल्के हाथों से एक रन के लिए खेल दिया। एक रन का इजाफा, एक रन के बदले स्कोर कार्ड हिलता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 36। अब जीतने के लिए समीकरण बदलता हुआ 10 गेंदे 30 रन, 10 गेंदे 30 रन। महेश थोड़े से महंगे साबित होते हुए, ये दिखे क्या रफ्तार भरी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, क्रिकेट की खूबसूरती दिखाने वाली ये गेंद। कोई मौका नहीं बल्लेबाज अमोल चव्हाण के पास इस गेंद को खेलने का, सिर्फ अपने आप को बचाने का काम किया था यहाँ पर अमोल ने। इस बार अपने को सफल किए जरूर, उठाकर खेलने की कोशिश अपील जरूर हुई है लेकिन आत्मविश्वास की कमी। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, ये वापसी कहूंगा मैं इस गेंदबाज की। देखिए 8 गेंदे 30 रन जीतने के लिए, ऐसी स्थिति में ऐसी डॉट गेंदे फेंकना, ये एक गेंदबाजी काबिलियत भरी गेंदबाजी कहूंगा मैं। अब प्रेशर बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, ये देखिए इस बार थोड़े से लय से भटके और स्टंप छोड़ दी हुई ये गेंद, नतीजा निकला वाइट, एक रन का इजाफा, एक रन के सहारे स्कोर कार्ड हिलता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 37 और जीतने के लिए 8 गेंदे 29 रन। एक बार फिर से वही इतिहास दोहराते हुए यहाँ पर शायद आउटसाइड यार कर डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो सटीक टप्पा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। अमोल चव्हाण सफल करते हुए खुद को इस बार टाइमिंग बना लिया, फील्डर मौजूद लेकिन कोई मौका नहीं, आसमान चीरती हुई गेंद 6 के लिए।
तो अमोल चौहान के बल्ले से यह आसमानी सुल्तानी छक्का देखने को मिला और प्रेशर अब बढ़ चुका है। देखिए माहौल गर्म हो चुका है, एक बार फिर से लय भटके इस वाइट के सारे स्कोर कार्ड, हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 45। 45 रन लग चुके हैं, अब 7 गेंदे 21 रन। चलिए स्पीड अप करना है, 7 गेंदे 21 रन, क्या काबिले तारीफ जबरदस्त मैच चल रही है मैदान पर, एक काबिले तारीफ क्रिकेट चल रही है मैदान पर। कभी पगड़ा इस पारी का भारी हो रहा है, कभी पगड़ा उस टीम का भारी हो रहा है, माहौल पूरा गर्म हो चुका है, कांटों का मुकाबला जारी है, कड़ा संघर्ष जारी है दोनों टीमों के बीच और दोनों छोरों से ताकत लगाई जा रही है। ये देखिए इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेल दिया फील्डर द्वारा, प्रयास जारी, फील्डर आप पहुंचे थे लेकिन एक बार फिर से मैं कहूंगा जीवनदान मिला इधर, और पहली विकेट गिरते हुए इस टीम की डीज। कोणी नादा दोस्ती ग्रुप फेमस नावाचा लागू नका कोणी नादा, पूरा करी दिलेला वादा पौध गावाचा दीपक दादा, पूरा करी दिलेला वादा पौध गावाचा दीपक दादा, पूरा करी दिलेला वादा पौध गावाचा दीपक दादा, पूरा करी दिलेला वादा पौध गावाचा दीपक। थैंक यू डीजे। तो दीपक दादा मालूम सर है कि ये धुन यहाँ पर बची हुई जिन्होंने ये श्रृंखला का आयोजन किया और हर खिलाड़ी के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया, उनको भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर अपने विचार बताने का। और मुड़ते इसी के साथ मैच की तरफ, अमोल चौहान जिन्होंने अच्छी तरीके से अपने पारी को संभाला था, अमोल चौहान के पारी का अंत हो चुका है, एक मैराथन पारी जिन्होंने खेली थी। तीसरी ओवर के अंतिम गेंद पर रनआउट के रूप में इनकी विकेट जा चुकी है, 46 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि अब जीतने के लिए जरूरत होगी 6 गेंदे 20 रन। 6 गेंदे 20 रन, ऐसे स्थिति में गेंदबाज चुने गए नए गेंदबाज कल्पेश वैती, फुल टॉस गेंद, ये मौका था लेकिन इसी के साथ नसीब का चौका मिलता हुआ 4 रन।
नावाचा पुष्पगुच्छ या स्पर्धेची आठवण म्हणून त्यांच्या हातात देण्यात आलेलं आहे. नक्कीच भाऊजींनी वेळात वेळ काढून या स्पर्धेला इथे भेट दिली हे आयोजकांवर असलेलं त्यांचं नितांत प्रेम इथे दिसून येत आहे. धन्यवाद, त्यांचं स्वागत. ओ मुड़ते हे मैदान की तरफ. कल्पेश की ये गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, दो फील्डरों की दरार जिससे गेंद हुई फरार, नंबर मिले चार. यहाँ पर गोविंदा घुस गया अब नागौरी साहब के अंदर. 57 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. जीतने के लिए दो गेंदे 9 रन. दो गेंदे 9 रन. टाइम पे इस हिट को लगाया था और चौवा आया था. दोन बॉल 9 65 झालेल्या 66 पाहिजेत. ये देखिए ये लोअर फुल टॉस गेंद उठाकर खेल दिया, फील्डर वहां पर मौजूद थे जरूर लेकिन यहां पर जीवनदान मिलता हुआ, जीवनदान मिलता हुआ 2 रन बटोरने में कामयाब हो चुके कुणाल. एक ही रन यहां पर ली गई है. एक गेंद 8 रन. एक गेंद 8 रन. निश्चित तौर पे देखिए इस पिछले गेंद पर प्रयास जरूर किया गया था 6 के लिए. ये देखिए इस गेंद पर निकाल दिया है खोद कर छक्का लेकिन देर हुई है. निश्चित तौर पे एक अच्छी क्रिकेट दिखाने में कामयाब हो चुकी है ये टीम लेकिन आज नसीब में हार थी. दोनों टीमों को शुभकामनाएं मेरी ओर से. धन्यवाद.